फाइनली आईफोन 14 सीरीज लॉन्च हो चुकी है, बट अभी सारे लोग आईफोन 13 सीरीज की ओर देखेंगे क्योंकि गाइस उसका रेट भी घटने वाला है और जो फीचर है वो ज्यादा चेंज नहीं है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आईफोन 14 या फिर आईफोन 13, इन दोनों में से कौन सा मोबाइल आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, कितना इनके अंदर प्राइस डिफरेंस है, कितना इन दोनों के अंदर फीचर्स का डिफरेंस है, इस वीडियो के अंदर आपको पता लग जाएगा आपको कौन सा मोबाइल परचेज करना चाहिए। आईफोन 13 एंड आईफोन 14 इन दोनों के अंदर मोस्टली आपको सेम चीज देखने को मिलती है सेम फीचर्स के साथ, बट यहां पर मैं जो फोकस करूंगा वो इसके डिफरेंस के अंदर करूंगा। सो यहां पर सबसे पहले हम बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले यहां पर लगभग आपको सेम देखने को मिलने वाली है। 6.1 इंच की सुपर रेटिना डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाली है जो कि XDR डिस्प्ले होने वाली है, तो यहां पर चेंज नहीं किया गया है। सेकंड डिफरेंस SOS, SOS के अंदर एक डिफरेंस किया गया है। यहाँ पर iPhone 13 एंड iPhone 14 दोनों के अंदर आपको इमरजेंसी SOS देखने को मिलने वाला है, बट यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि iPhone 14 सीरीज के अंदर आपको क्रैश डिटेक्शन का फीचर भी आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि आपका किसी भी तरह का क्रैश होता है तो यहाँ पर जो आपका इमरजेंसी SOS है वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो इससे भी काफी बड़ा बेनिफिट होने वाला है, ये फीचर काफी काम का है। एप्पल वॉच के अंदर भी आपको ये वाला फीचर देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट कैमरा, गाइस कैमरा के अंदर भी कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस आपको इसके प्रो मॉडल्स के अंदर देखने को मिलने वाला है। वहां पर आपको 48MP का कैमरा देखने को मिलेगा, बट जो आईफोन 13 है और जो आईफोन 14 है इनका कैमरा आपको लगभग सेम देखने को मिलेगा, बट फिर भी आईफोन 14 के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस और देखने को मिलता है। आईफोन 14 का जो डुअल कैमरा है ये आपको एडवांस डुअल रेयर कैमरा देखने को मिलने वाला है, साथ ही में जो आईफोन 14 है जो उसका आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है यहाँ पर आपको ऑटो फोकस का भी फीचर देखने को मिलेगा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर किया गया है, बाकी कैमरा लगभग आपको सेम देखने को मिलता है इस नॉन प्रो मॉडल के अंदर। आईफोन 13 एंड आईफोन 14 का जो आपको नेक्स्ट डिफरेंस देखने को मिलेगा वो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको सिनेमेटिक मोड के अंदर देखने को मिलेगा। आईफोन 13 की बात करें तो यहाँ पर आपको 1080p की रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी जो कि सिनेमेटिक होने वाली है 30fps के अंदर, बट यहाँ पर हम आईफोन 14 की बात करें तो यहाँ पर आपको 4K HDR की रिकॉर्डिंग देखने को मिलने वाली है जो कि 30fps के ऊपर होने वाली है, साथ ही में यहाँ पर आपको एक्शन मोड भी देखने को मिलेगा आईफोन 14 के अंदर। नेक्स्ट 5G एंड ब्लूटूथ, iPhone 14 और iPhone 13 दोनों के अंदर ही आपको 5G का ऑप्शन देखने को मिलेगा। iPhone 13 के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.0 का वर्जन देखने को मिलेगा और iPhone 14 के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.3 का वर्जन देखने को मिलने वाला है, तो कुछ खास डिफरेंस यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अदर फीचर, बाकी गाइस जो इसके अंदर अदर फीचर देखने को मिलते हैं 13 एंड 14 के अंदर वो लगभग आपको सेम देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में मैंने वीडियो के अंदर नहीं बताया है। चिप भी यहां पर आपको सेम देखने को मिलती है, IP68 की रेटिंग देखने को मिलती है और भी यहाँ पर आपको लगभग सभी फीचर सेम देखने को मिलते हैं, थोड़ा बहुत आपको 5-10% का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड मेन प्राइस, तो प्राइस का डिफरेंस यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईफोन 13 का जो प्राइस है वो आपको 70,000 रुपए देखने को मिलेगा, आईफोन 14 का प्राइस जो आने वाला है वो है 80,000 रुपए, तो यहाँ पर एक काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। साथ ही में अभी सेल आने वाली है और सेल के अंदर इसका रेट और भी कम हो जाएगा, आप कैशबैक ऑफर का इस्तेमाल कर इसके रेट को और भी ज्यादा कम कर सकते हो। तो गाइस ये था आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 14 का फुल डिफरेंस। लास्ट में बात करते हैं वर्डिक्ट के, आईफोन 13 या फिर आईफोन 14 कौन सा परचेस करना चाहिए। तो गाइस जो आईफोन 13 है इसका प्राइस भी काफी कम देखने को मिलता है, फीचर भी लगभग आपको सेम देखने को मिलते हैं, अभी सेल आने वाली है, सेल के अंदर इसका रेट और कम देखने को मिलेगा, साथ ही में कैशबैक ऑफर देखने को मिलेंगे जिससे आप इसका रेट को और ज्यादा कम कर पाओगे, तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से इसको चूज भी कर पाओगे। सो गाइस अगर आपको नॉन प्रो मॉडल लेना है तो आप आईफोन 13 के साथ जा सकते हो, आप आईफोन 14 भी ले सकते हो, बट लगभग आपको सेम देखने को मिलता है। बट गाइस अगर आपको 48MP का कैमरा चाहिए तो आप आईफोन 14 प्रो के साथ जा सकते हो, इसके प्रो वाले मॉडल्स के साथ। तो ये था आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 14, कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।